सोलन में सब्जी फल विक्रेता मनमाने दावों पर सोलन की जनता को चूना लगा रहे हैं, लेकिन इस पर खाद्य आपूर्ति विभाग कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है। नियम के अनुसार सोलन की सब्जी मंडी में जो थोक के दाम है, परचून विक्रेता उसे 25% अधिक दामों पर बाजार में कहीं बेच सकता है, लेकिन सोलन में सब्जी व फल विक्रेता 100% से भी अधिक दामों पर कृषि उत्पाद बाजारों में बेच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोलन की सब्जी मंडी में जो लहसुन 110 से लेकर 140 तक थोक के दाम में मिल रहा है, वह बाजार में करीबन 80 से 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सोलन सब्जी मंडी में आरती का कहना है कि बाजारों में ये मुनाफाखोरी द्वारा दुगनी और तिगनी कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जिस पर नियंत्रण करना खाद्य आपूर्ति विभाग का काम है, लेकिन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राहकों को अपनी जेब में ढीली करनी पड़ रही है। बाकायदा यहाँ जो है क्यू फार्म दिया जाता है, अब उसका तो सिविल सप्लाई और आदमी देखे कि कौन कर रहे हैं। यहाँ तो जो है 40 बहुत ही बढ़िया लहसुन होगा वो 45 रुपए तक जाता, और जो छोटा माल है बिल्कुल वो 10-12 रुपए किलो तक जाता, और उस हिसाब से वो चेक करे उनको देखे यहाँ तो यही रेट है आजकल होलसेल जो है मंडी में जो है पिछले तीन चार दिनों से जो है 10 रुपए से लेकर 40-42 रुपए तक का जो है लहसुन बिक रहा है यहाँ पर जी। अब आगे का देखना, रिटेलर ने देखना कितना, गवर्नमेंट ने कितना, सिविल सप्लाई ने, ये चीज तो उन्होंने देखनी है कि क्या भाव मार्केट में बिक रहा है, इसकी जिम्मेवारी सब्जी मंडी वालों की तो नहीं है। वहीं जब इस बारे में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और बताया कि वह किसी भी तरह की कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। खरीदारों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और प्रदेश सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन वह इस पर अंकुश लगाने की बजाय सभी विक्रेताओं को लूट की खुली छूट दे रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि एक ओर पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सब्जियां, फल और अन्य खाद्य सामान सोलन सब्जी मंडी के रेटों से दुगने और तिगने दामों पर बाजारों में बेचे जा रहे हैं। कि हमारे शहर में किसी भी दुकान पर और किसी भी जगह पे, ढाबों पे जो है आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, जबकि जो हमारी सब्जियों के दाम जो है यहाँ पे जो भी व्यापारी है, दुकानदार है, वो अपने मनमाने ढंग से वसूल कर रहा है। वही सब्जी 10 रुपए की मंडी से चलती है, जो कि मार्केट में आते आते 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए तक भी चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे दामों के ऊपर किसी प्रकार का सरकार से कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और सरकार ने अपने जो है एक सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए, जिससे जो है महंगाई और बेलगाम होती जा रही है, जिसका असर आप देख सकते हैं आम पब्लिक पर कितना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक ऐसा लेटर भी लिखा गया है, ऐसा पत्र किया गया है कि किसी को जो व्यापारी जिस रेट में बेच रहा है उसको बेचने दिया जाए, उस पर किसी तरह की लगाम नहीं है। आज कोई भी सामान जो व्यापारी है वो अपने स्तर पे बेच रहा है, आप कहीं भी देख लें कोई लिस्ट नहीं है, कोई चेक नहीं है कि कौन सा सामान कितने रुपए का आया था और हमने कितना रुपए का वो बेचना है। तो इससे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का किसी भी क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल या जितने भी सामान है, खाद्य वस्तुएं हैं, किसी पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।